वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, और मुझको लगता है कि अब सैकड़ों हजारों वर्ष तक कोई दूसरा सकंड दूसरा रामविलास पासवान पैदा नहीं हुआ। इसके जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि 52 बरस के राजनीतिक इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है, और रामविलास पासवान जी को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। हर नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज अपने आवास पे स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, उनकी पुण्यतिथि को मनाया। और इस अवसर पर उन्होंने मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए भारत सरकार से ये मांग की है कि भारत सरकार जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम से भारत रत्न देने की जो है वो कृपा करे। और साथ ही साथ जो है बिहार सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि बिहार सरकार जो है यहाँ इस आवास को शहीद स्मारक के रूप में दर्जा दे। साथ ही साथ उन्होंने रामविलास पासवान जी को लेकर के कहा कि हमारे बड़े भाई यानी रामविलास पासवान जी जैसा नेता अब कोई पैदा नहीं होंगे। जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है उसकी हमेशा हमें याद आते रहेगी। पहले सुनिए कि पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कह रहे हैं। बीच में नहीं, और उनका दूसरा पुण्यतिथि मनाया जा रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, और आज हम लोग के बीच में नहीं है क्योंकि उनके द्वारा जो राजनीतिक जीवन में 52 वर्ष तक जो उन्होंने देश की सेवा किया, तो पूरा देश उनके नहीं रहने से पूरे देश को क्षति हुआ। और मैं समझता हूं कि जो उतने बड़े दलित के नेता पासवान जी माने जाते थे, जिनको सेकंड अंबेडकर की उपाधि दी जाती थी, वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, और मुझको लगता है कि अब सैकड़ों हजारों वर्ष तक कोई दूसरा सकंड दूसरा रामविलास पासवान पैदा नहीं हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, यहाँ भी पूरे देश में मनाया जा रहा है, और पूरे बिहार में मनाया जा रहा है, और हमारे घर पर भी मनाया जा रहा है, और यहाँ भी मनाया जा रहा है। आज के इस श्रद्धांजलि में मैं माननीय प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि 52 बरस के राजनीतिक इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है, और रामविलास पासवान जी को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। दूसरा मेरा डिमांड है बिहार सरकार से कि बिहार सरकार में, बिहार में 3 लीडर्स एस्टेब्लिश लीडर माने जाते थे, पासवान जी, लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी। 3 में से आज पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं शमशान घाट में भी माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि आपके अच्छे मित्र पासवान जी थे, आज नहीं हैं, तो उनकी अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि आप उनके नाम पर इस घर को, 1 नंबर जो हुलर रोड है, 34 वर्ष तक यहाँ वो रहते थे, जब भी दिल्ली से आते थे यहीं रहते थे, इसको रामविलास पासवान जी के नाम पर शहीद स्मारक के रूप में आप मान्यता दी। ये मेरा 2 डिमांड है, एक बिहार सरकार से, एक भारत सरकार से। तमाम बड़े नेता आए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, नंद किशोर यादव जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो हैं, आदरणीय सरोज भान सिंह जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो हैं, उसके बाद आपको संजय पासवान जो MLC हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं वो थे, रामप्रीत पासवान जो भाजपा के पूर्व मंत्री भी थे और अभी भाजपा के विधायक हैं वो थे, ललन पासवान जी थे, इसके अलावा बहुत सारी काफ़ी पूरे देश से, पूरे बिहार से, इवन कि साउथ से भी मणिमारन जी आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, शशि कुमार जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं ये आए हुए हैं, तो काफ़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति हुई। हमारे विनय बाबू हमारे गार्जियन हैं, विनय बाबू भी आए हुए हैं, आपके अनिल चौधरी जी पूर्व विधायक हैं और बिहार के हमारे प्रभारी हैं, ये सब आए हुए, काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए और पासवान जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और हमारे सांसद में तीनों सांसद हम लोग हैं, बीना देवी आ रही है रास्ते में है, चंदन सिंह जी सांसद नवादा के सांसद हैं वो मौजूद हैं, प्रिंस राज जी जो समस्तीपुर के सांसद हैं वो मौजूद हैं, मैं तो हूँ ही, और महबूब अली केसर भी अमेरिका गए हुए हैं, इसलिए उनके प्रतिनिधि आए थे, महबूब अली केसर के प्रतिनिधि आए थे, तो 5 सांसद
और श्री भूषण राय जी हमारे पार्टी के MLC हैं, पांचों सांसद और वरिष्ठ नेता और भूषण राय जी की उपस्थिति। इसके अलावा बहुत से हमारे नेता जैसे बीरेश्वर सिंह जी हैं और लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिसको बढ़िया से दे दीजिएगा जितने लोग तो आपने सुना कि साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार सरकार से एक मांग की और दूसरी मांग जो है भारत सरकार से की है कि भारत सरकार जो है स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न दें। प्राची के साथ संजीव सिंह, IGNOU24 पटना।